हेलो 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 अभी जो मैंने इस तरह कैरियर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑन कर दिया है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दिखाएंगे काफ़ी सारा यूएसबी ब्लूटूथ प्लेयर है जिसमें ब्लूटूथ तो होता ही है। उसके साथ अभी जैसा अपडेट आ रहा है, जैसे कि आप उसमें कैरियो के फंक्शन यूज़ कर सकते हो। कैरियो के फंक्शन ऐसा चीज़ है जैसे कि आप उसमें गाना गा सकते हो, आपका ब्लूटूथ से म्यूज़िक चला दो, और या तो फिर आपका FM रेडियो है उसके साथ पेन ड्राइव या तो USB लगा के भी आप गाना गा सकते हो। तो अगर आपके पास नहीं है और कॉमन सा नॉर्मल सा बोर्ड है, बहुत पहले से ले लिया हो, तो उसमें भी कैरियो के जैसा आप कर सकते हो। कैसे करोगे वही बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए ये वाला जो बोर्ड है, इसमें आपका जो फ़ोन का जो चार्जर होता है उस चार्जर का भी ऑप्शन है। इसके लिए आपको मिनिमम 1 एम्पियर अगर पावर को यूज़ करेंगे तो आपका बेस्ट मतलब कि ज़्यादा फायदा होगा। तो उसमें एम्पियर जो है फ़ोन का चार्ज जो वो काफ़ी फास्ट होगा। तो यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन है, आप देख सकते हो, और इसके साथ आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि FM में कोई गाना हो रहा है तो उस गाने को आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के, और बाद में सुन सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जैसे कि जिसमें चार्जर वाला होता है उस ऑप्शन आता है, देख सकते हो। बहुत ही अच्छा खूबसूरत बोर्ड है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, तो इसके आपको एक फ़ायदा मिलेगा। जो दोस्त अच्छा कमेंट करेगा, लाइक करेगा ज़्यादा वीडियो को और शेयर करेगा, उसको हम एक बोर्ड फ्री में देंगे। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितना सारा वीडियो आएंगे उसके कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको इसमें से कोई भी एक बोर्ड आपको मिल सकता है बिल्कुल फ्री। तो ये हो गया USB जो चार्जर होता है, फ़ोन आप चार्ज कर सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा जो बोर्ड आता है दोस्तों, ये फुल्ली कैरियोके है। तो इसके इसको अगर यूज़ करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ये ऑल टाइम किसी भी मोड पे जाओ, जैसे कि ब्लूटूथ मोड पे जाओ या तो फिर FM मोड पे जाओ, आपका कैरियोके जो फंक्शन है वो ऑल टाइम ऑन रहेगा। इसमें माइक जो है वो ऑल टाइम ऑन रहता है, और इसमें एक स्विच भी आता है, जैसे कि यहाँ पे PF और M-, इस दोनों पिन को शॉर्ट करना होता है, और M+ जो पिन है यहाँ पे आपका माइक का जो कंडेंसर है उसका पॉजिटिव पॉइंट देना होता है, तभी आपका कैरियोके जो फंक्शन है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आप लोगों को चला के दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास पुराना जैसे बोर्ड है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप कैरियोके बना सकते हो, यहाँ पे हमने वही मॉडिफिकेशन की है, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को बताएंगे कैसे करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये वाला बोर्ड लेते हो तो इसमें क्या होता है, आपका माइक का फंक्शन अलग से आपका पॉइंट करके देना होता है, मगर इसमें यहाँ पर भी आप कॉर्ड लगा के AUX जो जगह है यहाँ पे भी आप कॉर्ड लगा के डायरेक्ट माइक को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो पिन है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जूम करके, तो यहाँ पे फोकस डिफोकस हो जाए, ये देखो ये वाला जो राइट या लेफ्ट दोनों, तो ये राइट और लेफ्ट दोनों पिन, पहला वाला जो दो पिन देख रहा है यहाँ पे, ये दोनों हो गया, और ये वाला जो है ग्राउंड, और यहाँ पे ये वाला जो पिन देख रहा हो दोस्तों यहाँ पे, तो ये वाला होता है माइक, मगर इसमें आपका कनेक्शन दिया नहीं होता है। और ये वाला जो पिन यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटा सा ये जो पत्ती दिख रहा है वो आके ख़त्म होता है, मतलब कि बिल्कुल एंड पे। अगर आप हेडफोन यूज़ करते हो तो कोई भी हेडफोन ले लो, और इसका ये वाला पिन राइट और लेफ्ट, पहला वाला दो हो गया, मिडिल का जो आता है ये वाला थर्ड नंबर पिन जो होता है ये ग्राउंड के लिए है, और लास्ट में जो है ये माइक के लिए है। तो अगर आपका मान लीजिए कि कोई हेडफोन ख़राब हो गया तो आप उसे भी यूज़ करके माइक बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट को यूज़ करना चाहते हो तो हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा इसका ट्रैक जो है यहाँ पे, जो माइक वाला जो ऑप्शन है इसका ट्रैक कहाँ से जा रहा है आपको मीटर से देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ढूंढ के वही ट्रैक को कट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका एक वायर जोड़ देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास दूसरा एक बोर्ड है वहाँ पे हमने काट कर लिए थे, यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पिन है यहाँ से हमने काट किए थे। तो ये हर वक्त यही ये नहीं होगा कि आपको यहीं से काट करना पड़ेगा, आपको मीटर से देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका कंटिन्यूटी मोड में डाल के देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका होता है। तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ से माइक का जो पॉजिटिव वाला पिन है उसे जोड़ दो, ठीक है, तभी आपका ये वाला जो शॉकेट है उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पे मेरा जो ये 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे TDA-2030 का एम्पलीफायर बोर्ड है, और यहाँ पे मेरा स्पीकर है, और यहाँ पे पिन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो हमने इसे कर दिया है। मेरे पास दूसरा एक बोर्ड है, तो कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेड वाला पावर का सॉकेट है, और ऑडियो आउटपुट के लिए आपको ये वाला पिन लेना पड़ेगा, और APF4 और M- को शॉर्ट कर दो। तो हमने शॉर्ट करने के लिए इस वायर को यूज़ किया, यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। परमानेंट के लिए आप एक स्विच ज़रूर यूज़ कीजिएगा माइक के लिए, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। और इस बोर्ड को अगर देखिएगा तो हमने यहाँ पर माइक को यूज़ करने के लिए एक जंपर लगा दिए हैं, ताकि हम ये वाला जो सॉकेट है यहाँ पे
ये वाला जो सॉकेट है इसे हम यूज़ कर सके। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसको हम ऑन करने जा रहे हैं। तो एफएम जो एंटेना है उसका वायर नहीं लगाया है इसमें, तो ब्लूटूथ मेरे पास जो है मोबाइल फ़ोन दूसरा उसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है और गाना भी यहाँ पे चल रहा है, आवाज़ बहुत ही मीठा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा टाइम के लिए पॉज करता हूँ। तो हमने यहाँ पे जो बटन है उसी से हमने पॉज किए फ़ोन का जो म्यूज़िक है उसको, यूट्यूब से हम चला रहे थे। तो अभी देखिए इसमें ब्लूटूथ से गाना चल रहा है और अभी माइक का सॉकेट डालेंगे तो आपका गाना भी चलेगा। तो ये फ़ोन का ही माइक है, हमने इसका जो हेड वायर था हेडफोन के लिए उसको हम काट दिया है क्योंकि वो काम नहीं करते, ये ख़राब हुआ सा है। तो आपके पास भी अगर ख़राब हुआ सा कोई हेडफोन सॉकेट है या हेडफोन का कोई वायर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने माइक जो है उसे ऑन कर दिए हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर हम हेलो बोलेंगे तो ये इको जैसा होगा क्योंकि ये कैरियो के माइक है। तो हम बोलने जा रहे हैं हेलो 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 हेलो। तो बहुत ही अच्छा आवाज़ हो रहा है। अभी गाना को अगर प्ले करेंगे तो आप ये देखो गाना हो रहा है अभी। हेलो 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 हेलो। तो आप साथ में गाना भी गा सकते हो तो यहाँ पे हो रहा है, देखो देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये काम करता है और बहुत ही मीठा आवाज़ हो रहा है। तो अभी हम इसे पॉज करके दूसरा जो बोर्ड है उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो जब जैसे कि अगर हम ब्लूटूथ को पॉज करते हैं तब भी होता है क्योंकि कैरियोके है, बहुत ही मीठा सा साउंड होता है। और इसके लिए आपको एक रिमोट भी दिए गए थे, देखो ये रिमोट आता है उसके साथ, बहुत ही अच्छा सा रिमोट आता है। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक शेयर करते हो तो आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। और दोस्तों जो बताने जा रहा था, अगर आपके पास इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है, पुराना जैसा बोर्ड है जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है ये कि ये वाला, तो पहले हम इसे बंद कर लेते हैं। हाँ, तो जो बता रहा था अगर आपके पास इस तरह का कोई बोर्ड है तो इसका सामने वाला जो सॉकेट है, देखो इसमें ब्लूटूथ वगैरह एफएम वगैरह सब कुछ तो है मगर इसमें कैरियो का फंक्शन नहीं है। तो अब थोड़ा सा मेहनत करके वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ला सकते हो मगर उसमें इको नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट हमने बनाया है, देख सकते हो ट्रांजिस्टर लेके, और यहाँ इसको हमने यहीं पर लगा दिए है, इसका जो पावर है यहीं पर लगा दिए है, बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पर जो माइक का जो पिन है जो उसे भी काट करके यहाँ पर आउटपुट में दे दिए है ताकि इसका सामने वाला जो सॉकेट है उसे हम यूज़ कर सकें। तो अगर आपके पास पुराना जैसा बोर्ड है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये 2N3904 वाला ट्रांजिस्टर है और यह पे 0.1 UF दो कैपेसिटर है, मतलब कि 104 कैपेसिटर भी बोल सकते हो। और यह 2 10K का रेजिस्टेंस है और एक बायसिंग के लिए ट्रांजिस्टर का 100K वाला एक रेजिस्टेंस है। बाकी हमने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को यूज़ किए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे देख सकते हो कोई वॉल्यूम का नॉब हमने यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि ये वाला जो बोर्ड होता है अभी जो अपडेटेड आ रहा है इसके साथ जो वॉल्यूम होता है वो सेव रहता है, मतलब कि अगर 2 में सेव करते हो तो जब हम ऑन करोगे 2 में ही रहेगा, अगर 50 में सेव करते हो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम देखे तो जब हम ऑन करोगे वो हाई वॉल्यूम से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए ये वाला बोर्ड जो हमने मॉडिफाई किए है इसमें तो आपका कैरियो का फंक्शन नहीं है, तो इसे भी चला के दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। दोस्तों हमने इसे पूरी तरह से कनेक्ट कर लिए हैं, अभी पावर को कहते हैं इसको हम ब्लूटूथ से नहीं हम एफएम से चला के दिखाएंगे, अब ब्लूटूथ से भी चला सकते हो। और ये माइक का जो ऑडियो आउट है वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ये मोनो चैनल है इसलिए। और अभी मेरा माइक की तरह का माइक को भी कनेक्ट करेंगे, तो ये मेरा माइक है और इसको लगाएंगे अभी। बदल के तो देखो, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एफएम का गाना हो रहा है, एफएम चल रहा है और हमने माइक का भी वायर लगा दिया है। ठीक है, ये देखो सामने ही लगाया है, आपके सामने देख रहा है आपका, और ये देखो नॉइज आ रहा है मतलब कि काम कर रहा है। तो हम ये हम हेलो बोलने जा रहे हैं, सिर्फ सुन सकते हो आप हेलो हेलो कंपनी के लिए हेलो 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 हेलो। यहाँ पे हम ऑक्स मोड में जाते हैं तो आपको हेलो वाला जो वॉइस है वो सुना सको, तो यहाँ पे मोड बटन को प्रेस करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे ऑक्स में चले गए ताकि आपको हेलो बोल के सुना सको, तो यहाँ पे सुन सकते हो हेलो 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 हेलो। मेरा जो माइक है इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे ला के दिखा दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 अभी जो फिर मैंने इस तरह कैरियर के वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑन कर दिया है ब्लूटूथ मोड में और मेरा जो माइक है इसे मोबाइल पे रहते हैं उसको हम स्पीकर के सामने रखे हैं आप देख सकते हो ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर काफी सारा हम मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात की है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए सिंपल अलग से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।